हमारे साथ है रोहतक से सांसद है कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह हुड्डा। क्या हवा लग रहा है इस बार? आप खुद देखिए, आप खुद अंदाजा लगाइए। प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है हरियाणा में, हमारा विश्वास है। इस बार तो ये दावा जो है बीजेपी भी कर रही है, उसकी भी सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। देखिए, आज हरियाणा प्रदेश का हर वर्ग भाजपा के 10 साल के कुशासन से इतना दुखी और तंग आ चुका है, और हर वर्ग चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की जो सरकार रही 10 साल हरियाणा में, उसे कार्यकाल को याद करता है। तो आज पूरे प्रदेश के अंदर एक माहौल बना है, प्रदेश के कोने कोने से एक ही आवाज़ आ रही है, भाजपा की सरकार जा रही है हुड्डा साहब के नेतृत्व में, उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। इस बार आपका गठबंधन नहीं हो पाया लग रहा है, अकेले लड़ेंगे आप लोग? कांग्रेस स्वयं सक्षम है, मजबूत है, लेकिन हम एक इंडिया गठबंधन का राजधर्म निभाने के लिए हमने अपनी बातचीत हम कर रहे थे अन्य दलों से, और मैं समझता हूँ कि जो आम आदमी पार्टी जैसे बात है वो बातचीत कर रहे थे, शायद कहीं ना कहीं उन्होंने अपने कैंडिडेट्स उसके बीच में उन्होंने डिक्लेयर किए हैं उनकी मर्जी, लेकिन कांग्रेस अपने स्वयं सक्षम है। आम आदमी पार्टी का रिक उसे कमजोर मत समझिए, हर हालत में मजबूती से लड़ेंगे, 90 सीट पर लड़ेंगे वो लोग। अब इस बात में तो हम क्या कह सकते हैं, वो तो आप हरियाणा की जनता से पूछ लेना, लेकिन हमने कहा हम किसी को कमजोर या किसी को नहीं, इंडिया गठबंधन का राजधर्म निभाते हुए हमने सबसे बातचीत कर रहे थे, सबसे बातचीत चल रही थी, उन्होंने अपनी लिस्ट डिक्लेयर करी है, अब जो है वो जाने। विपक्ष के वोटों का बंटवारा नहीं होगा लगता आपको? देखिए, एकजुटता से 36 बिरादरी हरियाणा की, हरियाणा की 36 बिरादरी ने ठाना है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस की सरकार को लाना है और बीजेपी को हरियाणा से भगाना है। तो क्या माने कि तीसरी बार भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही जो मुख्यमंत्री बनेंगे जो आपके पिताजी? हमारी प्रक्रिया होती है पार्टी की, पार्टी प्रक्रिया होती है, उसी के अनुसार चलती है पार्टी। लेकिन जो यहाँ का जो रोहतक जो है जाट बहुत इलाका है, और जाटों को यह लग रहा है कि हमारा पूरा क्षेत्र 36 बिरादरी का, पूरा हरियाणा ये 36 बिरादरी का साथ सहयोग और आशीर्वाद। लेकिन कांग्रेस के ही दूसरे नेता हैं शैलजा करे कि दलित क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन सकता है? देखिए, जो है वो आप उनसे पूछिए, 36 बिरादरी कांग्रेस पार्टी है और जो है हमारी अपनी प्रक्रिया है पार्टी की। आपको लगता है कि इस बार कांग्रेस कितनी सीट लेकर आएगी? अप्रत्याशित बहुमत, अप्रत्याशित बहुमत। आपने देखा है तो भाजपा वाले ही मान रहे हैं, हम क्या कहें, भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया, अपना उप मुख्यमंत्री बदल दिया, अपने कैबिनेट बदल दी, अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया, चुनाव की तारीख बदल दी एक बार, चुनाव की तारीख बदल दी दूसरी बार, लेकिन भाजपा कितना ही कुछ बदल ले उनका कष्ट नहीं कटने वाला, जनता है, जनता हरियाणा की सरकार ही बदलेगी। लेकिन यहाँ पर जनता मांग कर रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, लेकिन कांग्रेस ने अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं। देखिए, हमारी लड़ाई भाजपा को सत्ता से बाहर करने की और प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाने की। कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री नहीं घोषित किया अभी तक। देखिए, हमने जो कहा कि हमारी लड़ाई कांग्रेस की सरकार बनाने की है और प्रदेश की जनभावना आज प्रचंड बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि कांग्रेस जो यहाँ पर सरकार बनाने जा रही है और लोगों की जनभावना यही है। रोहतक से कैमरा मनोज ठाकुर के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया।